नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। शनिदेव नव ग्रहों में से एक ऐसे ग्रह हैं जिनसे हर कोई डरता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब जो ये रखते हैं। अब कहते हैं कि भाई शनिदेव रूठा रे सारा जग झूठा, और देखिए वो इसलिए क्योंकि अगर शनि बिगड़ जाए तो समझ जाइए कि जिंदगी में उथल पुथल अब मचने वाली है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाई शनि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल जीवन में प्रदान करते हैं। शनि व्यक्ति को कर्म के आधार पर फल देने का कार्य करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो शनि देव उसे शुभ फल प्रदान करते हैं। वही मनुष्य यदि गलत कार्यों को करता है तो शनि उसे उसी तरह के फल देना आरंभ कर देते हैं। अब इतना ही नहीं, जब व्यक्ति पर शनि की महादशा, शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया के दौरान शनिदेव अच्छे फल प्रदान नहीं करते, जिस कारण इन अवस्थाओं के दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब शनि का डंडा चलता है तो व्यक्ति किन परेशानियों से जूझता है, तो ये हम आपको बता दें कि भाई शनि जब अशुभ होते हैं तो व्यक्ति कई प्रकार की परेशानियों का सामना करता है। जैसे शनि शिक्षा में भी बाधा पैदा करते हैं, करियर और जॉब में भी मुश्किलें पैदा करते हैं। शनि अशुभ होने पर जमा पूंजी को नष्ट कर देते हैं, व्यक्ति कर्जदार हो जाता है और हर कार्य में उसे असफलता मिलनी शुरू हो जाती है। शनि अशुभ ग्रहों के साथ गंभीर रोग देने का भी कार्य करते हैं और इसलिए शनि को शांत रखना बहुत जरूरी माना गया है। फिलहाल शनि अस्त हो चुके हैं। नववर्ष 2021 के पहले हफ्ते से शनि अस्त हो चुके हैं, क्योंकि 7 जनवरी से अपनी ही स्वराशि मकर से ये अस्त चल रहे हैं। वहीं 23 जनवरी को इनका नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ और अब 14 फरवरी को शनि उदित होंगे, यानी कि 14 फरवरी तक लोगों को थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। वैसे तो 12 की 12 राशियों पर अस्त शनि प्रभावित करेंगे, लेकिन 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे तक किन राशियों से जुड़े जातकों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है, यह हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए ना, विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी वैलेंटाइन डे की धूम हमेशा बनी रहती है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हर कोई अपने अपने तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है, या फिर यूँ कहें कि अपने जीवन साथी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है। वही ये खास दिन शनि से भी प्रभावित होगा, खासकर जिन राशियों पर ढैया चल रही है यानी कि मिथुन और तुला राशि, और जिन पर साढ़े साथी चल रही यानी कि धनु मकर और कुंभ राशि को 14 फरवरी तक थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ सकता है। और ऐसा देखिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल, सूर्य और शनि ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो रिश्तों में आई दूरियों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह उच्च राशि में हो या फिर उसकी दृष्टि पंचम या फिर सप्तम भाव में पड़ रही हो तो प्रेम संबंधों का टूटना समझ जाइए। तो इसलिए शनि के अस्त होने की वजह से वैलेंटाइन डे तक सावधान रहें।